वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में आप अपने बाइक का इंश्योरेंस कर पाएंगे, भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पे बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप जाते हैं किसी एजेंट के यहां, अगर वहां पे आप अपना इंश्योरेंस कराने के लिए बोलते हैं और वहां पे इंश्योरेंस कराते हैं तो वहां पे आप 400 से 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। सो दोस्तों, मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप चाहें तो मोबाइल से कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मोबाइल की जो लिंक होगी ऐप की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां से फॉलो करने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के बाद कर सकते हैं। यहां पे आपको न्यू टैब ओपन करना है और आपको यहां पे सर्च करना है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे आपको फर्स्ट जो लिंक है वो आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो सिंपली हम यहाँ पे फर्स्ट वाली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टू व्हीलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से पेज रीलोड होगा और एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे अपने बाइक का नंबर डालना है, तो आपका जो भी नंबर है आप यहाँ पे डाल लीजिए। मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, तो यहाँ पे अपना नंबर फिल करते हैं और यहाँ पे फिल करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने नंबर अपना फिल कर दिया और यहाँ पे हम गेट पेज पे क्लिक करते हैं। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना नंबर गलत डाल दिया है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे, आपको जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी लिया था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कभी किया था, तो मैंने यहाँ पे लिया था 2012 में। मैं यहाँ पे 2012 सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ जा रहा है कि आपका प्रीवियस इंश्योरेंस, यानी जो पिछला इंश्योरेंस है वो किससे था। तो मेरा यहाँ पे ICICI लेमो से था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो आपका इंश्योरेंस है वो एक्सपायर है या एक्सपायर्ड नहीं है। तो मेरा यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, मैं यहाँ पे एक्सपायर क्लिक करूँगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितना दिन पहले एक्सपायर हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट में जो दे रहा है वो 90 डेज, यहाँ पे 90 डेज है अवव है, या फिर यहाँ पे I am not sure देन एक्सपायर। तो मैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं है कि कब एक्सपायर हुआ। ठीक है, अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि ये सभी कंपनियाँ हैं जो इंश्योरेंस करती हैं और इन लोगों की प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीन सेक्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर रहता है, दूसरा आपको यहाँ पे जीरो डिस्क्रिप्शन और तीसरा यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी होता है वो जो भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है वो थर्ड पार्टी के लिए होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट वे होता है ये होता है दोनों के लिए, और यहाँ पे जीरो डिस्क्रिप्शन एक होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक साल से ज़्यादा आपको इंश्योरेंस करना है तो आपके यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे कॉर्नर साइड में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक साल करना है, दो साल करना है या फिर आपको 3 साल करना है। तो मुझे यहाँ पे 1 ईयर के लिए प्लान लेना है और इसके बाद जो भी आप जो देख सकते हैं रिजल्ट में आया है, जो सबसे कम प्राइस है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस दिखाई जा रही है वो यहाँ पे 810 रुपये जो दिखाई जा रहा है डिजिटल के तौर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप नीचे आप यहाँ पे देख लें ताकि और भी कोई कंपनियाँ हों जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हों और जिन्हें आप जानते हों उनसे आप इंश्योरेंस लें। ठीक है, हालांकि ये सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, सभी का आपको रजिस्टर मिलेगा, इंश्योरेंस पेपर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट में आ रही है 810 रुपये का, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी आपको सारी डिटेल्स देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी डिटेल देने से पहले आप यहाँ पे देख लें कि जो पॉलिसी का जो टर्म्स और कंडीशन है आपको यहाँ पे दी गई है PDF में। जो भी आपका प्राइस लिखा है 810 रुपये, जो भी आपकी प्राइस है वहाँ पे नीचे पॉलिसी की जो टर्म्स और कंडीशन है वो दी गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होता है और ये एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। तो जो भी इसके टर्म्स और कंडीशन है आप यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करें और सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ लें। मैंने यहाँ पे पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आप अपनी
सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेट वगैरह सब कुछ बताया गया है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, कितना परसेंट किसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने पहले वाले पेज पे। यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे दे दें, और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपका मोबाइल नंबर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के रीजन से। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिया, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी दे देना है, जो भी आपका जीमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दे दें। मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी दिया और इसके बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यानी एक एड्रेस देना है जहाँ से आपसे कॉन्टेक्ट हो सके। तो जो भी मेरा एड्रेस यूपी का है, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही दे देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल मुंबई दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुंबई देने के बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट मिलेगा, और आपका यहाँ पे पिन कोड है वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। तो अपने यहाँ पे पिन कोड जो भी है आप जहाँ पे दे रहे हैं वो पिन कोड डाल दें, और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ और यहाँ पे हमें अपना एक नॉमिनी फिल करना है। तो नॉमिनी में आप जिसका भी नॉमिनी फिल करना चाहें आप यहाँ पे अपना नॉमिनी फिल करें, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करें कि आपसे उनका रिलेशन क्या है। अगर चाइल्ड है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चाइल्ड आप देख सकते हैं। सपोज आप अगर अपने वाइफ का नॉमिनी फिल कर रहे हैं तो आप इसको पे क्लिक करना है, और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फादर मदर ब्रदर दिया गया है, मैं यहाँ पे ब्रदर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का एज सेलेक्ट करना है, तो जो भी एज है एज बराबर है, अगर आपकी एज डाउन करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप उनकी एज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस पॉइंट नेम आपको यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे 21 ईयर ही पहले मैंने अगला सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 21 ईयर देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस है, जो आपका जो बाइक है वो आपने फाइनेंस से लिया है या फिर कैश लिया है, जो भी है आपने अगर आपका EMI के तौर पे है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नो करें। तो मेरा फाइनेंस नहीं है, मैं यहाँ पे नो करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप 3 पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरे गाड़ी की सारी डिटेल्स शो हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने यहाँ पे हाइड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंजन नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैक्सी नंबर जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख लेना है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो परफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन का 1 सितंबर 2012 शो हो रहा है, जो कि मेरे जो मेरा पेपर है वहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 सितंबर दिया गया, सब कुछ सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे स्टेप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा और कुछ इस तरह से आपके सामने सारा डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो नाम है वो दिया गया है, यहाँ पे मेरी जो नॉमिनी है वो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा जीमेल आईडी वगैरह शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो इंजन नंबर वगैरह है, मोटरसाइकिल नंबर है, यहाँ पे मेरा जो गाड़ी नंबर है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे जा रहा है, इंजन नंबर वगैरह दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 810 रुपये का जो इंश्योरेंस है, इसके बाद आपको 146 का GST प्लस है, यानी ये टोटल 956 रुपये का आपको इंश्योरेंस पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पे सिक्योर पे क्लिक पे क्लिक करना है, और पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पे कर लेना है। अगर आप चाहते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो ये पेज फिर से रीलोड होगा और एक नए पेज में ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर वगैरह देके फिल करके और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो डेबिट कार्ड, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, या फिर आप चाहें तो नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट किसी वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप चाहें कि EMI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहें 1000 रुपये का, तो EMI के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भरें और इसके बाद आप यहाँ पे कर लें। सो दोस्तों, ये इंश्योरेंस मैंने 3 दिन पहले ही बाय कर लिया था और मुझे यहाँ पे वाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा इंश्योरेंस पेपर आ गया मेरे मेन आईडी पे, तो ही जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दोस्तों,
सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अपने बाइक का इंश्योरेंस कर पाएंगे। सो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में बस यही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।